Hi friends, welcome to our today's videos. Today I will do the exercise 8.2, question number 6, 7th and 8th of Math Sahith Indanika Learning, book 8, 3-way tradition. Okay, so friends, let's start. आज की वीडियो में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो है ये वाला. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन एन मल्टीप्लाई एन टी. अब देखो ये क्या होता है. सबसे पहले तो ए जो है, ए का मतलब है अमाउंट. पी है, पी का मतलब है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल होता है जो हम लेंट करते हैं. अब देखो 1 का यूज मैं आपसे को बाद में बताता हूँ. आर होता है इंटरेस्ट रेट जो कि डेसिमल में आता है. एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टी. एन टी होता है टाइम जैसे कि 3 ईयर्स. अब देखो 1 का क्या यूज होता है, जितना ही आर के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा एन उतना ही हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना. लेट्स डू आवर एक्सरसाइज नाउ. ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है. सो इसमें कविता ने बोरो की 80,000 रुपीज बैंक से एक सेकंड हैंड कार परचेज करने को 10% एनम के रेट पर. हमने फाइंड करना है जो हमारा हमने फाइंड करना है अमाउंट जो पेएबल होगा, अमाउंट जो पेएबल होगा बाय हर आफ्टर वन होल ओवर टू ईयर्स के बाद, अगर जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा हाफ ईयरली. अब देखो ये हमारा 6th क्वेश्चन. सो इसमें हमने क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर रेट की पावर टाइम. सो अब देखो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3. अब 80,000 मल्टीप्लाई 20 जो कि वो दोनों कट हो जाएंगे 1 अपॉन 20 आ जाएगा. 20 प्लस 1 अपॉन 20 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 21 अपॉन 20. अब यहाँ पर 80,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 तीन बार. सो 20 सभी इसके साथ कट गए, 80,000 के साथ 10 बच चुका है यहाँ पर. 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. सो ये 21 कितना हो जाता है 9261. सो 10 मल्टीप्लाई 9261 कितना हो जाएगा 92,610. अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो कितना हो जाएगा 92,610 माइनस 80,000 जो कि हो जाएगा ₹12,610. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 7th क्वेश्चन है. सो हाउ मच वुड द सम ऑफ 20,000 अमाउंट एट 12% फॉर 9 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली. अगर क्वार्टरली हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा हो 9 मंथ्स के लिए 12% रेट पर 20,000 अमाउंट हो, सो हमने फाइंड करना है जो कि हाउ मच वुड द सम. सो देखो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 100 मल्टीप्लाई 4n यहाँ पर हम लेंगे. सो अब देखो अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.03. 0.03 का मतलब क्या है, 3/100 हो जाना था जो कि अब हमने क्या कर दिया था कि वो 0.03 बन चुका था. 1 प्लस 0.03 की पावर 3. अब 1 उसमें प्लस हो चुका था 1.03. अब अगर हम 1.03 करें उसकी पावर 3 करें, सो इन सभी को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ जाता है 1854.54. सो हमने 20,000 को उस नंबर के साथ इसका आंसर आ जाता है हमारा कि जो कि अगर हम इन चारों को करें, जैसे कि अब 20,000 मल्टीप्लाई 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 मल्टीप्लाई 1.03, सो उसका आंसर कितना आता है 21,854.54. ओके सो हमारा 8th क्वेश्चन है. सो 25,000 लेंट किए गए हैं 10% एनम के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए. सो हमने फाइंड कर रहे हैं अमाउंट जबकि इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा था ए हाफ ईयरली एंड बी क्वार्टरली. सो हमने ये फाइंड करना है हमारा अमाउंट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो सबसे पहले फाइंड करेंगे. 25,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 100 जो कि अब देखो ये दोनों जीरोस इसके साथ कट जाएंगे, उसका 2 को हम 250 के साथ काट देंगे जो कि कितना हो जाएगा 125. 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है क्योंकि अगर हम 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें सो हमारा आंसर सेम ही आएगा. 125 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाता है
1250 जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ₹1250। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि कैसे हो जाएगा 25,000 प्लस ₹1250 जो कि हो जाएगा ₹26,250। अब देखो ये है 1/4, ये है 1/4। सो अब इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हम जीरो को जीरो के साथ काट देंगे, सबसे पहले ये वाले जीरो को इस वाले जीरो के साथ, उसके बाद ये वाले जीरो को इस वाले जीरो के साथ। अब फोर को हम काट देंगे 2625 के साथ, जो कि आ जाएगा कितना 656.25। सो अब देखो इतना आने के बाद अमाउंट फॉर सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। सो हम कर देंगे 26,250 प्लस 656.25 कितना हो जाएगा 26,906.25। ओके सो फ्रेंड्स, अब आगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट से हमारा ओरिजिनल इंटरेस्ट माइनस करना, जो कि कैसे हो जाएगा 26,906.25 माइनस 25,000 जो भी हो जाएगा ₹1906.25। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।